सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिलान्यास किया गया है। फिलहाल सिरसा में जहां पर मेडिकल कॉलेज बनना है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं यहां पर साइट को देखने के लिए जहां पर ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। यही वो साइट है जहाँ पर निर्माण होगा और जल्द ही बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सिरसा के डिप्टी कमिश्नर उनके साथ हैं। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उनसे पूरा ब्यौरा जान रहे हैं कि कहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन की जानी है और किस तरह से काम जो है वो होगा। फिलहाल साइट का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करेंगे हम दुष्यंत जी से, देखेंगे कि ये निरीक्षण करने के लिए फिलहाल यहाँ पर आए हैं। दुष्यंत जी, सिरसा ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, क्या कहें? बहुत बड़ी सौगात है और 1070 करोड़ का माननीय राष्ट्रपति ने जो इनॉग्रेशन किया है, ये अपने आप हेल्थ फैसिलिटीज़ केवल मात्र सिरसा ज़िले की नहीं, आसपास के 5-6 ज़िलों की इम्प्रूव करेगा। और मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बड़ा बदलाव का हिस्सा होता है और कई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो आज छोटे छोटे हॉस्पिटल करते हैं वो कंसोलिडेटेड सारा एक जगह होगा, तो अपने आप इसके अंदर इजाफा मिलेगा। कब तक काम शुरू हो जाएगा, क्या मान के? टेंडर हो चुका है, सेंट्रल PSU को काम मिला है और मुझे लगता है कि वर्क ऑर्डर भी इशू हो चुका है, जल्द उसका निर्माण शुरू किया। हम तो इंतज़ार कर रहे थे इसके इनॉग्रेशन का और माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये अपने आप में सिरसा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो टाइम पीरियड सर कब तक? 2 साल से 3 साल का समय कॉलेज के निर्माण में लगता है। हमने 2020 के अंदर हिसार का निर्माण, जींद के मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया था, जो लगभग अब फाइनल स्टेजेस पे कंस्ट्रक्शन की पे आ गया है। और फिर इंटरनल वर्क्स की बात है, जो कोरियावास का मेडिकल कॉलेज था वो 18 में शुरू हुआ था, कोविड के कारण उसमें साल का डिले रहा, पर लगभग वो फाइनलाइज स्टेज पर इक्विपमेंट ऑर्डर हो चुके हैं और मुझे लगता है जल्द उसमें हेल्थ सर्विस जो है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम ने बताया कि कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल साइट का विजिट करने यहां पर आए हैं डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 2 सालों तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना असंभव है और सिरसा के लोगों को मेडिकल कॉलेज खुलने से फ़ायदा मिलेगा। सिरसा से मैंने कुछ सूझा खबरें अभी तक।